जी मैं मेरा ख्याल है माहौल बहुत अच्छा है इस वक्त, और अल्लाह ताला करे कि हमें अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम इसमें बेहतरी ला सकें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनका शुक्रगुजार हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब, आपका शुक्रगुजार हूँ। बैरिस्टर गौहर साहब, आपका। इसहाक डार साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, महमूद ख़ान अचकज़ई साहब, आतिफ ख़ान साहब, हम सब ने जो आज बात की पॉजिटिव, हम भूल जाएं कि माजी में क्या हुआ। हमारी लीडरशिप आपस में बैठे ना बैठे, मगर क्या हम पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट की खातिर, बेहतरी की खातिर, क्या हम कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं साइन कर सकते? क्या हम लोग इकट्ठे बैठ के नहीं कर सकते? क्या हम लोग बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते? हम लोगों के हकूक़ की बात करें, हम इश्यूज की बात करें। मैं तो ये यकीन रखता हूँ कि आपने जो बाहर जाके बात करनी उसके बजाय यहाँ करें, मगर जो किताब कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन कहती है, रूल्स कहती हैं, उसके दायरे में रह के करें। तो फिर तो कोई वजह नहीं है। आप गवर्नमेंट को के इश्यूज पे करें, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे करें, ज़रूर करें, ज़ातियात से हम निकल जाएं। अभी भी उम्मीद है। मैं जब हमारी पहली मीटिंग हुई थी विप्स की, तो गवर्नमेंट की विप्स की ये डिमांड थी कि हम 2/3 हैं और ऑपोजिशन 1/3 है। हमें 2 दफ़ा बोलने का मौका मिले और ऑपोजिशन को 1 दफ़ा मिले। आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें, जिसमें शायद ट्रेजरी बेंचेस खुश नहीं हुए, आपको ज़्यादा मौका मिला है बनिस्बत ये। और मैं सारा रिकॉर्ड हमारे पास है, मैंने हर कंपाइल कराया हुआ है, इसलिए कि ऑपोजिशन यहाँ नहीं बोलेगी तो कहाँ बोलेगी। हम तो चाहते हैं आप यहाँ पर बात करें। जो ख्वाजा साहब ने बात की, 2 wrongs डू नॉट मेक अ राइट, आई थिंक उसमें बहुत वज़न है। मैंने जो कल किया, जो मेरा ज़मीर कहता था और जो मेरी ज़िम्मेदारी थी, मैंने उसके मुताबिक किया। मैं उस दिन रात को जब तक मुझे इत्तला थी, तब मैं जो कर रहा था, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि कुछ पर्दे रखना भी ज़रूरी होते हैं, जो मैं कर सकता था वो मैंने किया। मगर जब अफसोस ये होता है कि जब आपकी जमात की तरफ से यह है कि मैं उसका हिस्सा था। मैंने नेशनल असम्बली के ऊपर से शुरू किया, नीचे से नहीं। सार्जेंट एट आर्म्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ही इज़ इन चार्ज फॉर द सिक्योरिटी, उनको भी सस्पेंड किया, और उनके साथ जो लोग जिन्होंने रेजिस्ट नहीं किया, जो लोग अगर अंदर आए थे उनको रेजिस्ट नहीं किया। CDA के स्टाफ जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, उनको सस्पेंड भी किया है और उनको यहाँ से इमीडिएट ट्रांसफ़र के लिए किया, इसलिए कि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। मगर मैं एक तल्ख बात करूँगा, तल्ख उसमें नहीं करूँगा, बट उसका नतीजा शायद अच्छा हो। 17/12/2018, ये उस वक्त आपकी हुकूमत थी, ये एक ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से ये ख़त आया, जो मैं आपको दे भी दूंगा इसके बाद। ये मोहतरम ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के हवाले से है, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर होने थे। उसमें एंड में मैं पढ़ देता हूँ कि क्या लिखा था, और ये सिर्फ ख्वाजा साहब के बारे में नहीं हुआ था, ये ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में, एहसन इकबाल साहब के ज़ुबाने, राना सनाउल्लाह साहब के बारे में, ये शहबाज शरीफ साहब के बारे में। एज सच दिस रिक्वेस्ट मे नॉट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट सफिशेंट ग्राउंड फॉर द इशुएंस ऑफ अ प्रोडक्शन ऑर्डर। ये मैं आपको इसकी कॉपी दे दूंगा। दूसरा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की तरफ से है, 22/6/2019 को ये आपकी हुकूमत थी। इसका मैं ऑपरेटिव पार्ट एंड का पढ़ देता हूँ। द ऑनरेबल स्पीकर मे वेल एक्सरसाइज हिज डिस्क्रीशन बाय नॉट इशूइंग द प्रोडक्शन ऑर्डर्स इन क्वेश्चन। दिस इज मोर सो एज द प्रेजेंस ऑफ द डेटनीज इज नॉट नेसेसरी फॉर पर्पज ऑफ मेकिंग ओथ एज अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली एज नोटेड इन द बलदेव कुमार केस। द पिक्यूलर फैक्ट्स ऑफ द मैटर आर सच दैट द स्केल ऑफ पब्लिक वेलफेयर एंड इंटरेस्ट अपीयर्स टू क्रेव फॉर अ रिजेक्शन ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ द इशुएंस ऑफ द प्रोडक्शन ऑर्डर। ये दूसरा है, ये मैं जी, ये लॉ मिनिस्ट्री का है, और पहला साद रफीक साहब का, दूसरा भी ये देख लें कौन है, मैं तो सिर्फ ऑपरेटिव पा। और तीसरा है 6/8/2019, when the request for production of order merely says to attend the proceedings of the ongoing 13th session of the national assembly without mentioning as to why the presence is necessary, the request ex facie does not constitute sufficient grounds for the issuance of production order. ye main aap logon ki knowledge ke liye ye aapko de raha hu, but
जिस तरह पार्लियामेंट्री लीडर PMLN ने और जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने, डार साहब ने, सब ने कहा वी आर मूविंग टूवर्ड्स बेटरमेंट. टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट. आई डू नॉट एग्री जो आपकी गवर्नमेंट में ये ऑर्डर्स थे, मैं इनसे एग्री नहीं करता हूँ. ये नॉट इशूइंग प्रोडक्शन ऑर्डर वॉज नॉट द राइट थिंग टू डू देन, इट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू नाउ. I will inshallah do what is appropriate, what is required and what is necessity for the parliament ki izzat ke liye. Main inshallah iski jo incidents hua hai iski teh tak jane ki koshish karunga. Aur please meri request hai ye mauka mile, aap log agar mere ghar aaye to please, wo ghar jo hai na wo camp office hota hai, agar aap mujhe milne aaye तो ये ना सोचें कि क्या, बिकॉज ऑपोजिशन गवर्नमेंट के साथ बैठना ज़रूरी है और दोनों का स्पीकर के साथ बैठना ज़रूरी है ताकि माहौल अच्छा किया जाए और हाउस की प्रोसीडिंग्स किस तरह चलानी. अकेली गवर्नमेंट नहीं चला सकती, अकेली ऑपोजिशन नहीं चला सकती, तो इसलिए हमें बेहतरी की तरफ. तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हम ये कमेटी आज ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इस पर हम डिले ना करें फर्दर, और इसको हम मोशन मूव करते हैं, तशरीफ रखें गौर साहब, मोशन मूव करके मैं आज ही कॉन्स्टिट्यूट करूंगा कमेटी और आप लोगों से नाम लेके, ताकि इस वो ये कल के बजाय आज इस पे काम शुरू हो जाए. और मैं अपनी जिम्मेदारी कर लूंगा, आप फिक्र नहीं करें. आप जो पूछना चाह रहे हैं, जी जी गौर साहब, गौर साहब का माइक जी. थैंक यू जनाब स्पीकर. मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा जनाब स्पीकर, जो पहले ऑर्डर हुए हैं जिसका आपने तस्करा किया बैक इन 2018 एंड 2019, असद केसर साहब उस वक्त अगर स्पीकर थे तो वो एटलीस्ट हिमसेल्फ वो वकील नहीं थे और उन्होंने दूसरे की ओपिनियन पे रिलाई किया. माशाल्लाह मैं भी वकील नहीं हूं, वकील हैं. मैं वकील नहीं हूं. आप मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ. दूसरी बात यह कि देयर इज़ अ वेरी बिग डिस्टिंग्विशिंग फीचर. वो जो लोग वो फ्रेंकली ये बात जो ये वाले हैं इसका डिस्टिंग्विशिंग है, ये हमारे 10 एमएनए रीसेंट साहब दी असेंबली से अरेस्ट हुए हैं. उधर से भी क्या जेस्चर आया है कि टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट, ये गवर्नमेंट ने भी तो सपोर्ट किया. मैं कह रहा हूं, मैं भी वही कर रहा हूं. पहले वाले जो हुए हैं वो बाहर से उठाए गए हैं और किसी केस में इन्वॉल्व हैं तो उनको नहीं प्रोड्यूस किया. मुझे ये तो आपका फर्ज है, आप मगर सुप्रीम कोर्ट के गेट से जो लोग अरेस्ट हुए थे सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस बुलाया था. बिकॉज ये एक सेंसिटिविटी होती है अपने वापस खत्म होता है. मैं तो ये सोचता कि आप वापस बुलाते उसको क्वाश कराते क्योंकि उनकी अरेस्ट बिल्कुल इलीगल है. एडजर्न जब होगा तो आप मेरे पास अकेले तशरीफ लाइएगा और ये बता के आइएगा अपने दोस्तों के आप कोई कॉन्स्पिरेसी करने नहीं आ रहे, मगर यही पार्लियामेंट्री डिस्कशन करने आ रहे हैं, वो ये इंप्रेशन ना चला जाए. जी अता तार साहब, प्लीज़ मोशन मूव कीजिए. मोशन मूव करने से पहले बहुत मुख्तसर सर मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये पूरा हाउस आपके साथ खड़ा है इस इशू के ऊपर सर, और ये सर पहली बार हुआ है कि पूरे हाउस में एक भी ऐसी आवाज़ नहीं है जो इस इशू पर आपके साथ ना हो और इस इशू को सपोर्ट ना कर रही हो. तो ये उस साइड का भी शुक्रिया, इस साइड का भी शुक्रिया. आतिफ खान साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, स्माइल कर रहे हैं सर. मेरी तो ख्वाहिश थी वज़ीर आला होते खैबर पख्तूनख्वा के 2018 में. और मैं और सर मैं ये तो इनको मरवाने वाली बातें आप कर रहे हैं. सर हमने तो हमने सर बड़ा उतार चढ़ाव देखा है और सदा बादशाही सिर्फ अल्लाह ताला की है. हम तो सर नस्ल दर नस्ल गिरफ्तार हुए इसी इस्लामाबाद में. मेरे दादा को भी इसी इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था, इनके दौर में इन्हीं की पुलिस में मैं भी गिरफ्तार हुआ. तो हम तो ये उतार चढ़ाओ इकतदार का आना जाना हम अपने घर में भी देखते आए, निवानों में भी देखते आए हैं सर. सदा बादशाही अल्लाह ताला की और किसी की नहीं है. सर विद योर परमिशन आई विश टू मूव अंडर रूल 244B ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द नेशनल असेंबली 2007.